कल होने वाले इज्तिमा के बारे में कुछ मालूमात दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, तहरीक सदाए हक अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से कल बरोज़ 22 दिसंबर बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक आम खास मैदान में एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मकामी उलमाए किराम के बयानात भी हो गए और मुखरीर खुसूसी खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला जुनेदी हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे गए। हज़रत का खुसूसी खिताब होगा और अल्हम्दुलिल्लाह उनवानात हालत हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए नशे की तबाहकारियाँ और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल और कत्ल गारतगिरी की रोकथाम कैसे हो और बिलखसूस मुआशरे में बेहयाई के नुकसान जो है उसकी असलाह कैसे हो, इन उनवानात पर तहरीक सदाए हक की जानिब से इस इज्तिमा में खिताबात हो गए और बिलखसूस अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात देख रहे हैं कि आम खास मैदान में तैयारियां भी जारी है। इंशाल्लाह आज शाम तक पूरी तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी। मैं औरंगाबाद और दीगर अतराफ मराठवाड़ा के तमाम मुसलमानों से, तमाम बिरादरान इस्लाम से पुरखलूस गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात कल बरोज़ इतवार 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से आम खास मैदान में ज़रूर तशरीफ़ लाए और जहां पर नौजवान हजरात मर्द हजरात के लिए इज्तिमा में इंतज़ाम है, वहीं पर ख़वातीन इस्लाम माँ बहनों के लिए भी पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम रहेगा और इज्तिमा के बाद हजरत मुखरीर खुसूसी साहब की खुसूसी रिक्कत अंगेज़ दुआ भी होगी और दुआ के बाद इंशाल्लाह न्याज का भी अहतमाम रहेगा तमाम आने वाले मेहमानों के लिए। लिहाजा फिर मैं तमाम अराकीन तहरीक सदाए हक की जानिब से ये गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात इस चैनल के ज़रिए से नाजरीन से ये इल्तिजा करूँगा कि आप तमामी हजरात कसरत से कसीर तादाद में इस इज्तिमा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।